उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर में भारत सरकार और राज्य सरकार की दम तोड़ने वाली अमृत सरोवर योजना आपको बताना चाहूंगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल संचय के लिए अमृत सरोवर योजना लागू किए थे। डबल इंजन की सरकार ने योजना को धरातल पर उतारा तो सही, लेकिन सही देख रेख एवं व्यवस्था ना होने के कारण पूरी तरह से फेल हो रही है। ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत गदरपुर विकास खंड में लगभग एक दर्जन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संचय के उद्देश्य से तालाबों का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसमें बरीराई ग्राम सभा के सुंदरपुर में लगभग 2.5 एकड़ एक 17.70 लाख रुपए लागत से व ग्राम सभा पिपलिया में लगभग 3 एकड़ में 23 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण केंद्र सरकार रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं रुद्रपुर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा तथा जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लिया से और विकासखंड गदरपुर से हूँ मैं। और ये हमने जो प्रधानमंत्री की योजना थी अमृत सरोवर योजना, इसके तहत अपने अपने गांव में एक तालाब का सौंदर्यकरण किया था, और जिसमें टाइल्स की रोडे बनाई हमने, फ्रंट में, साइड में, नीचे से भी अच्छी तरह से काम किया गया है उस समय पे। और तालाब तैयार होने के बाद हमने ये तालाब, जो ऊपर से आदेश आया था कि महिला समूह को आवंटन करना है, तो हमने महिला समूह को आवंटन भी कर दिया है। करीबन 1 साल होने वाला है, आवंटन के बाद भी ऐसे ही जर्जर अवस्था में ये तालाब पड़ा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, घास वास सब उग गया है, और सबसे मेन समस्या यहाँ पे है पानी की समस्या। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा गांव है, जब से मैं तो मेरा अभी 21-22 साल उम्र हो गई है, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये जो तालाब है, इस तालाब का बहुत महत्व है हमारे गाँव में। हम ये जो गाँव है पूरा बंगाली बाहुल्य गांव है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूजा जो हमारा काली पूजा होता है, तो काली पूजा में जो मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं हम उसी में करते हैं। तो इससे पहले तक पिछले साल तक ये जो तालाब था वो गांव के अंडर था, और इसका मेंटेनेंस इतना अच्छा, अगर आप पहले आते तो हम आपको दिखाता, इतना सुंदर तालाब था वो। हमने खुद से तालाब को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसके बाद अधिकारी लोग आए, उनसे हमारी मतलब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस तालाब को और अच्छा किया जाएगा, यहाँ पे मतलब आप शाम को वॉक कर सकते हो, ऐसा बनाया जाएगा। और आप यहाँ से आए हो, आपने आते वक्त देखा होगा कि इस तालाब की अभी कंडीशन क्या है। इस तालाब में अभी ये कुछ महीने हुए, इसके अंदर पूरा घास फूस भर गया है। आप बताइए, इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम अपने जो गांव में जो पूजा होता है उसमें मूर्ति विसर्जन वगैरह कहाँ करेंगे। और ऊपर से जो गाँव के, अब जो सिर्फ बात मूर्ति विसर्जन की नहीं, एक स्वच्छता, अब मोदी सरकार जो है स्वच्छता की बात करती है, अब तालाब की स्वच्छता को जाके देखिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस तालाब के लिए पैसे नहीं आए होंगे, अगर वो पैसे आए होंगे तो काम अधूरा क्यों है, और अगर काम अधूरा है तो फिर वो पैसे गए कहाँ। तो मैं अधिकारियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आके एक बार तालाब की कंडीशन को देखें, और जो भी इसमें त्रुटि वगैरह है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विकासखंड गदरपुर के अंतर्गत 10 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। हुआ यह है कि जब ये अमृत सरोवर निर्मित हो रहे थे उस अवधि में, और कुछ में अमृत सरोवरों में हमने साइड वॉल का काम भी उस समय कर लिया था, उसके तत्काल बाद पूरे क्षेत्र में अतिवृष्टि, पूरे क्षेत्र में कहिए या पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई थी। उसमें उन निर्माण कार्य के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी काफी प्रभावित हुए थे, उनमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ में साइड से मिट्टी नीचे गिर गई, कुछ में जो हमने साइड की वॉल चिनाई की थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई थी। जैसे बरसातें रुकी उन तालाबों में पानी कम हुआ, उसमें सुधारीकरण का कार्य कर लिया गया। क्योंकि इसका जो कार्यदायी संस्थाएं थी हमारी ग्राम पंचायतें थी, संबंधित ग्राम प्रधान, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित जेई, इन सब लोगों ने पूरी टीम भावना के साथ काम करके सुधारीकरण का कार्य किया। कतिपय तालाबों में जरूर ये स्थिति है कि इस समय घास अधिक दिखाई दे रही है, इसलिए वो तालाबों का स्वरूप कुछ अलग सा नजर आपको आया होगा। उसका जो तली है, तलट है, उस पर जानबूझ के हमने पक्का इसलिए नहीं किया है क्योंकि मत्स्य पालन के लिए, भविष्य में सिंगाड़े के लिए उन तालाबों अगर हम तली मजबूत कर देंगे तो उसका जल संरक्षण का, जल संवर्धन का जो उद्देश्य है या जो मत्स्य पालन का उद्देश्य है वो फिर उसमें सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम तली मजबूत नहीं किए गए, अतः वो घास उग रही है, बाकी अन्यथा तालाब हमारे पूर्णतया निर्मित है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।